साथियों नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद कलीमुद्दीन से जो कि ओमेगा क्लासेस के डायरेक्टर हैं और मांग कर रहे हैं शहर विधानसभा से टिकट की। जब एक टीचर राजनीति में आता है तो आपको पता है कितनी कठिन परिस्थितियां होती हैं, तो जानते हैं इनके बारे में। बताइए सर, थोड़ा सा जरा अपने बारे में जानकारी दीजिए और आप कैसे समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मैं ओमेगा क्लासेस का डायरेक्टर हूँ जी। मैंने 124 शहर विधानसभा बरेली से समाजवादी पार्टी से आवेदन किया है और पिछले 10-12 साल से मैं बरेली शहर विधानसभा में अपनी कोशिश चला रहा हूं और हम लोग जो हैं माइंडेड समाजवादी पार्टी के हैं, जन्म से समाजवादी हैं जी। तो जिस तरीके से अभी मुझे कुछ सुनने में आया कि कोरोना काल जैसे रहा, लोगों ने बहुत परेशानियां झेली, तो इसमें भी आपने काफी लोगों को हेल्प करी, तो कैसा अनुभव रहा आपका इस संबंध में? जो दोनों कोरोना काल रहे, चाहे पिछला वाला रहा हो या फिर ये वाला रहा हो, दोनों ही कोरोना काल में हमारी टीम ने, टीम से मतलब हमने ओमेगा के बैनर के तले बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने का काम किया। किसी कोई भी परेशान मिला उसकी परेशानी को दूर किया, राशन पहुंचाने का काम किया। अगर इस वाले कोरोना काल की बात करी जाए तो इस बार स्थितियां अलग थी। मैं खुद कोरोना से ग्रस्त हो गया था, मुझे कोरोना हो गया था, उसके बाद भी मैंने फोन पर या तमाम चीजों में मदद करना नहीं छोड़ा। मैंने राशन एक्सप्रेस के नाम से एक राशन की सिस्टम शुरू किया, कम से कम 5,000 परिवारों तक राशन पहुंचाने का काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर किसी को जरूरत पड़ी तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया। इसके अलावा कम से कम 40-50 पेशेंट ऐसे हैं जो अस्पताल का अपना बिल नहीं भर पा रहे थे, उनके हमारे पास फोन आए, हमने हॉस्पिटल का उनका बिल भरने का काम किया जी। कुछ मुझे हमारे पास पता चली है कि आप मतलब कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं फ्री में, 100 बच्चे, कुछ हमारे पास ऐसी नॉलेज आई है, हालांकि लोगों को आप बताते नहीं है, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जब से हमने कोचिंग शुरू की है 2011-12 से, तब से हमने एक सिस्टम अपना बना रखा है। हमारे कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से कम 100 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फ्री पढ़ाने का काम करते हैं, उनसे हम कोई भी फीस नहीं लेते। यहां तक कि 2000 का हमारा रजिस्ट्रेशन है, वो भी नहीं कराते, एकदम फ्री पढ़ाते हैं उन्हें। क्योंकि हमारा ये मानना है कि गरीबी की वजह से अगर कुछ बच्चे जो पढ़ने से रह जाते हैं तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा जी। अच्छा, एक शिक्षक के नाते शिक्षक को जब राजनीति में आना पड़ेगा तो आप किन, अगर हम देखें शहर विधानसभाओं में किस चीज की कमी है जो आप देखते हैं और अगर आपको मौका मिले तो आप उसे दूर करेंगे? चूंकि मैं टीचर हूं, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं जी, IIT नीट के बैचों में केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाता हूं, तो मैं एक टीचर के नाते राजनीति में आया, ऑफिशियल तौर पर राजनीति में से मैं शामिल हुआ हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। तब हमारे जो मुद्दे हैं वो अलग तरीके से मुद्दे हैं। हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि बरेली में मेडिकल कॉलेज नहीं है जी। अगर बरेली में मेडिकल कॉलेज होता तो इस कोरोना काल में जितने लोग हमारे एक्सपायर हुए थे वो हालत वो नहीं होती, क्योंकि एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, इतनी होनी चाहिए। एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, लेवल की होना चाहिए। इन सब पर हम वर्क करेंगे। इसके अलावा जो एरिया पिछड़े हैं, जहां पर दिक्कतें हैं, अच्छे रोड नहीं है, नालियां नहीं है, उन पर हम काम करेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मेडिकल कॉलेज, अच्छी मेडिकल सुविधाएं और एजुकेशन है। ठीक, धन्यवाद।